हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके अगस्त माह के करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थान। चर्चित स्थानों में सबसे पहला है आपका कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, सिक्किम। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे अन्य नामों से जाना जाता है आपका खगचिन जोंदा बायोस्फीयर रिजर्व, ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसे यूनेस्को ने अपने WNBR मीन्स वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है। देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से खगचिन जोंदा या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के शामिल होने के बाद अब इस WNBR मींस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के कुल 11 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हो चुके हैं। इससे पहले भी भारत के नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन, सिमलीपाल ऐसे अन्य बायोस्फीयर रिजर्व इस सूची में शामिल हो चुके हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व इस WNBR सूची में शामिल किए जा चुके हैं। इस कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व से एक महत्वपूर्ण चीज और याद रखिएगा, वर्ष 2016 में यूनेस्को ने इसे मिश्रित श्रेणी के विश्व धरोहर स्थल के सूची में भी इसे शामिल किया था। देखिए, विश्व धरोहर स्थलों की तीन कैटेगरी होती है, एक होती है आपकी प्राकृतिक, दूसरी होती है आपकी सांस्कृतिक या ऐतिहासिक, और तीसरी होती है आपकी मिश्रित श्रेणी। भारत में केवल एक ही है आपका कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की मिश्रित श्रेणी में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। ठीक, अब देखिए सेकंड नंबर पर है आपका लखवार परियोजना। लखवार परियोजना, हाल ही में केंद्र सरकार ने लखवार परियोजना को मंजूरी दी है। यह एक बहुद्देशीय परियोजना है जो कि यमुना नदी पर उत्तराखंड में लगभग 204 मीटर ऊंचा एक कंक्रीट बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस बांध के निर्माण या इस परियोजना के लिए भारत के कुल 6 राज्यों ने अपनी सहमति दी है। वो 6 राज्य कौन कौन से है? एक है आपका उत्तराखंड, उसके बगल में हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों ने इस लखवार परियोजना में अपनी सहमति दी है और इस लखवार परियोजना से निर्मित बांध के माध्यम से इन 6 राज्यों में जल की पूर्ति की जाएगी या जल की आपूर्ति प्रदान की जाएगी। तो याद रखिएगा, लखवार परियोजना का संबंध है आपका उत्तराखंड राज्य से, जो कि यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पाणिनि भाषा प्रयोगशाला। पाणिनि भाषा प्रयोगशाला मॉरिशस, अभी आपके 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि मॉरिशस में आयोजन हुआ, इस 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान ही भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मॉरिशस में पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं में हिंदी भाषा के प्रति रुचि बढ़ाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। देखिए, पाणिनि कौन है? पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरणाचार्य है, जिनकी रचना है आपका अष्टाध्यायी। याद रखिएगा, पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरणाचार्य है और इनकी जो रचना है उनकी रचना का नाम है अष्टाध्यायी। ठीक, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय वन्य जीव अनुवांशिकी संसाधन बैंक, इसकी स्थापना की जा रही है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। ये देखिए, नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक, इसका मुख्य उद्देश्य लुप्त प्राय जीवों के भ्रूण, जीन्स, कोशिकाओं, युग्मकों, ऊतकों आदि का संरक्षण और संवर्धित करना इसका उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय वन्य जीव अनुवांशिकी संसाधन बैंक की स्थापना की जा रही है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है आपका थर्मल बैटरी संयंत्र, इसकी स्थापना की जा रही है आपकी आंध्र प्रदेश में। हाल ही में आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह घोषणा की कि विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र की स्थापना की जाएगी आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना की जा रही है बेस्ट के द्वारा। बेस्ट का फुल फॉर्म BEST, भारत एनर्जी ऐसे स्टोरेज टेक्नोलॉजी, भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 पारित किया। अब देश का पहला राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है आपके मणिपुर में। इस राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय में आपका खेल विज्ञान, खेल तकनीक, खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण जैसी अलग अलग विषयों में मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री प्रदान की जाएगी। तो याद रखिएगा, देश का पहला राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है आपका मणिपुर में। नेक्स्ट, नियुक्तियों पर।
देखिए सबसे पहले नंबर पर है आपके जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को हाल ही में डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए इनका नाम याद रखिएगा, अक्सर पीएससी और व्यापम डिफेंस सेक्टर में जो भी नियुक्तियां होती है उनसे प्रश्न उठाते हैं। जैसे लास्ट साल पीएससी का आपका प्रश्न था कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, तो ये था उसका आंसर था आपका K.C.1। तो जो हमारे जो थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, ये जो भी तीनों सेना के अध्यक्ष हैं उनसे प्रश्न उठते हैं। ऐसे डीआरडीओ, इसरो, आपके सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज, तो इस तरीके की जो नियुक्तियां रहती है उसे याद रखिएगा। तो याद रखिए कि जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष भी है और सचिव दोनों हैं। नेक्स्ट रोमेश पवार। रोमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच है। इनका बस नाम याद रखिएगा, रोमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच। नेक्स्ट आपके हरिवंश नारायण सिंह। हाल ही में राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव हुआ, तो इस उपसभापति चुनाव में हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चयनित हुए। देखिए राज्यसभा का सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। उपसभापति का हाल ही में चुनाव हुआ, उपसभापति के रूप में चयनित हुए आपके हरिवंश नारायण सिंह। यदि आपसे डायरेक्ट करंट अफेयर का प्रश्न पूछेगा तो उसमें ये पूछेगा कि भारत के वर्तमान राज्यसभा उपसभापति कौन है, तो उसमें आंसर आएगा आपका हरिवंश नारायण सिंह। यदि जनरल स्टडी का क्वेश्चन पूछा तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगा। देखिए उसमें ये पूछ सकता है कि भारत में राज्यसभा के उपसभापति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 89 मीन्स 89 में भारत के राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों का पद उल्लेखित है आर्टिकल 89 मीन्स अनुच्छेद 89 में। ठीक। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के पद पर नियुक्त हुई है आपका मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के पद पर नियुक्त हुई है। ये मिशेल बैचलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति थी। चिली की पूर्व राष्ट्रपति, चिली में ये दो बार राष्ट्रपति पद पर रह चुकी है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है आपका युद्धाभ्यास से। सबसे पहले नंबर पर है आपका काकाडू समुद्री युद्धाभ्यास। ये काकाडू समुद्री युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है आपका डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। इसमें लगभग 25 देशों की नौसेना इसमें शामिल हो रही है। इसमें 25 देशों की आपका युद्धपोत, पनडुब्बी, क्रूज, ये सारे के सारे शामिल हो रहे हैं। भारत में इस काकाडू समुद्री युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है आपका INS सह्याद्री। INS सह्याद्री काकाडू समुद्री युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। इसका आयोजन किया जा रहा है आपका डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। ये काकाडू जो नाम उठाया गया है, ये काकाडू आपके ऑस्ट्रेलिया का एक नेशनल पार्क है, काकाडू नेशनल पार्क है। इस काकाडू नेशनल पार्क से ही इस काकाडू समुद्री युद्धाभ्यास का नाम लिया गया है। नेक्स्ट है आपका अभ्यास मैत्री। अभ्यास मैत्री यह भी भारत और थाईलैंड के मध्य किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन किया जा रहा है आपका जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। तो याद रखिएगा अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड की सेनाओं के मध्य किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन हो रहा है श्रीनगर में। नेक्स्ट है आपका 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता कोई सैन्य अभ्यास नहीं है, यह एक सैन्य बैठक है। भारत और अमेरिका के सैन्य प्रमुखों के मध्य दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है आपका 2+2 वार्ता। तो याद रखिएगा 2+2 वार्ता का संबंध है भारत और अमेरिका के सैन्य प्रमुखों की बैठकों से। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपन पुस्तकों की तरफ। पहले नंबर पर है आपका 281 एंड बियॉन्ड। ये पुस्तक है आपके पूर्व भारतीय क्रिकेटर VVS लक्ष्मण जी की आत्मकथा। इस पुस्तक का शीर्षक उठाया गया है आपके वर्ष 2001 में ईडन गार्डन कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ VVS लक्ष्मण ने 281 रन की पारी खेली थी। तो इस 281 रन की जो उन्होंने पारी खेली वहीं से उन्होंने अपनी इस पुस्तक का शीर्षक उठाया है 281 एंड बियॉन्ड। ये VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है। नो स्पिन ये आत्मकथा है आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और स्पिन गेंदबाज शेन वॉन की। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिन गेंदबाज है जबकि इन्होंने अपने प्रोफेशन के अपोजिट अपने बुक का नाम रखा है नो स्पिन इनकी बुक का नाम है, ये भी इनकी आत्मकथा है और ये दोनों क्रिकेट प्लेयर रिटायर हो चुके हैं। तो याद रखिएगा 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण जी की आत्मकथा जबकि नो स्पिन शेन वॉन की आत्मकथा है। नेक्स्ट है पुरस्कार। पुरस्कार में पहले नंबर पर है गेम चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड। गेम चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है इस साल इंदिरा नुई को। इंदिरा नुई वर्तमान में पेप्सिको कंपनी में CEO के पद पर है। इन्होंने हाल ही में पेप्सिको कंपनी के पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। ये रिटायर होगी आपकी अक्टूबर 2018 में।
इन्हें यह अवार्ड एक महिला के तौर पर इनके कारोबारी उपलब्धियों के लिए दिया जा रहा है। इन्होंने अपने व्यावसायिक उपलब्धियों के माध्यम से विश्व की अन्य महिलाओं और लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। तो याद रखिएगा, गेम चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा रहा है इंदिरा नुई को, जिसका संबंध है आपका पेप्सिको से। पेप्सिको कंपनी की वर्तमान में सीईओ पद पर आसीन है। वर्ष 2006 से ये पेप्सिको में सीईओ पद पर है। अभी 2018 अक्टूबर में ये इससे रिटायर होने वाली है। नेक्स्ट, वुमन हु चेंज द वर्ल्ड। हाल ही में बीसीसी हिस्ट्री मैनेजमेंट ने एक सूची जारी करी, जिसमें उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे राजनीति, विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, साहित्य, समाज सेवा, ऐसे अलग अलग कैटेगरी से महिलाओं की एक सूची तैयार करी। उस कैटेगरी में वुमेन हु चेंज द वर्ल्ड, इस सूची में सबसे पहले नंबर पर रखा है उन्होंने मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी, जिनका संबंध है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली महिला है, जिन्हें वर्ष 1903 में भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रेडियो एक्टिविटी रिसर्च के लिए इन्हें भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वर्ष 1903 में, जबकि वर्ष 1911 में इन्हें दूसरी बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था रसायन के क्षेत्र में, मींस केमिस्ट्री के फील्ड में। आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडिएशन इनका विषय था, तो इस आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडिएशन के खोज में वर्ष 1911 को इन्हें केमिस्ट्री के फील्ड में दूसरी बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है आपका फील्ड मेडल। फील्ड मेडल, जिसे गणितीय क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, फील्ड मेडल इस साल प्राप्त हुआ है आपके 4 व्यक्तियों को, जिनमें से एक है हमारे भारतीय मूल के अक्षय वेंकटेश। भारतीय मूल के अक्षय वेंकटेश को गणितीय नोबेल कहे जाने वाले फील्ड मेडल प्रदान किया गया है। ये मेडल हर 4 साल में गणितीय क्षेत्र में असाधारण कार्य किए जाने या असाधारण शोध कार्य किए जाने वाले लोगों को दिया जाता है। इस साल ये 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक है हमारे भारतीय मूल के अक्षय वेंकटेश। तो याद रखिएगा, फील्ड मेडल प्रदान किया गया है भारतीय मूल के अक्षय वेंकटेश को, वैसे तो 4 लोगों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। पहले नंबर पर है संथाली जनजातीय भाषा। संथाली जनजातीय भाषा हाल ही में विकिपीडिया संस्करण प्राप्त करने वाली पहली जनजातीय भाषा बनी। याद रखिएगा, संथाली भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से एक है, जो हाल ही में विकिपीडिया का संस्करण प्राप्त करने वाली पहली जनजातीय भाषा बनी है। जैसे आप कभी भी गूगल सर्च करेंगे किसी भी चीज़ का, तो उसमें पहले नंबर पे आपको विकिपीडिया का ही आंसर शो होता है। यदि आप उसको ओपन करेंगे तो साइड में एक लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, उसमें जो भी आप पेज ओपन किए हैं उसमें इंग्लिश में रहता है, और यदि आप लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो उसमें उसका ट्रांसलेशन दिया रहता है। तो उसी ट्रांसलेशन वाली सूची में ही आपका संथाली जनजाति भाषा को भी शामिल किया गया है। ये देश की पहली ऐसी जनजातीय भाषा है जिसे विकिपीडिया संस्करण प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, संथाली भाषा वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इन देशों में बोली जाती है, जबकि भारतीय राज्यों में बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है, जिसे हाल ही में विकिपीडिया का संस्करण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपका हेलेना। हेलेना क्या है? हेलेना एक एंटी टैंक मिसाइल है, मींस टैंक रोधी मिसाइल, ऑटो गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल। यह स्वदेश निर्मित आपका टैंक रोधी मिसाइल है। इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हेलेना ऑटो गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल। नेक्स्ट है आपका गगनयान। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। देखिए, अभी तक हमने अंतरिक्ष यान के माध्यम से उपग्रह भेजे हैं, लेकिन भारत पहली बार वर्ष 2022 तक या उससे पहले अंतरिक्ष यान के माध्यम से मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। गगनयान 2022 यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष प्रकाश कार्यक्रम होगा, और इस पहले मानव अंतरिक्ष प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से भारत विश्व में मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला 4था देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रशिया, चाइना, ये 3 देश ऐसे हैं जो अंतरिक्ष में मानवों को भेज चुके हैं। अब गगनयान के माध्यम से मानव अंतरिक्ष प्रकाश कार्यक्रम के द्वारा भारत अंतरिक्ष में मानवों को भेजने की तैयारी कर रहा है। ये जो गगनयान है, ये भारत में निर्मित, स्वदेश निर्मित एक अंतरिक्ष यान है, जिसके माध्यम से लगभग 3 व्यक्तियों को
तीन व्यक्तियों को अंतरिक्ष में 5 से 6 दिन के लिए भेजा जाने वाला है। तो याद रखिएगा गगनयान कब भेजा जाएगा, वर्ष 2022 को। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष प्रकाश कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के सफल होने के पश्चात भारत विश्व का 4था ऐसा देश होगा जिसने अंतरिक्ष में मानवों को भेजा। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 2। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए जाने की घोषणा की। कब किया जाएगा इसको लॉन्च, 3 जनवरी 2019 को इसे लॉन्च किया जाएगा GSLV Mach 3 के द्वारा। चंद्रयान 2 लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है आपका 3 जनवरी 2019 को। देखिए इसे लॉन्च किया जाएगा 3 जनवरी 2019 को, ये अपने कक्षा में स्थापित होगा मार्च 2019 को। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस चंद्रयान में 3 कंपोनेंट है। एक है आपका चंद्रयान ऑर्बिटर या चंद्रमा ऑर्बिटर, सेकंड है आपका रोवर और थर्ड नंबर पर है आपका लैंडर। देखिए जो आपका रोवर है, रोवर एक तरीके का नेविगेशन 3D कैमरा है जो कि चंद्रमा की सतह पर उतर कर वहाँ की रिकॉर्डिंग करेगा। दूसरा है आपका लैंडर, लैंडर चंद्रमा की सतह से, जो भी आपका चंद्रयान है वो चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे आराम से उतरे और उसके किसी भी पार्ट में कोई डैमेज ना हो उसके लिए इसका निर्माण किया गया है चंद्रमा लैंडर का। देखिए ये चंद्रमा लैंडर इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इस चंद्रमा लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रखे जाने की घोषणा की गई है। देखिए ये चंद्रयान मिशन 2 बहुत पहले ही चंद्रमा पर भेज दिया जाता, लेकिन एक्चुअली में इसमें मेन प्रॉब्लम था आपके लैंडर का। रशिया के मदद से भारत इस लैंडर का निर्माण कर रहा था, लेकिन रशिया ने इसके निर्माण में सहयोग करने से मना कर दिया। इसके बाद भारत ने फैसला किया कि वे स्वदेश में ही इस लैंडर का निर्माण करेंगे। तो ये जो लैंडर है ये स्वदेश निर्मित है और वर्ष 2019 में विक्रम साराभाई की 100वीं जन्म जयंती शताब्दी मनाई जा रही है। उनका जन्म, विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था वर्ष 1919 में, जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक माने जाते हैं। तो उन्हीं के जन्म जयंती शताब्दी अवसर पर इस चंद्रयान लैंडर का नाम रखा गया है आपका विक्रम। तो याद रखिएगा चंद्रयान 2 जिसे लॉन्च किया जाएगा 3 जनवरी 2019 को GSLV Mach 3 के द्वारा, इसके चंद्रयान लैंडर का नाम है विक्रम। नेक्स्ट ओ स्मार्ट योजना, हाल ही में केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य सुनामी और तूफान चेतावनी प्रणाली को और विकसित करना है। तो इस ओ स्मार्ट योजना के अंतर्गत समुद्री ताप ऊर्जा संचयन केंद्र की स्थापना की जा रही है कवारती लक्षद्वीप में। तो ओ स्मार्ट योजना का संबंध है सुनामी एवं तूफान चेतावनी प्रणाली को विकसित करना। इसी के तहत समुद्री ताप ऊर्जा संचयन केंद्र की स्थापना की जा रही है आपकी कवारती लक्षद्वीप में। अब नेक्स्ट आपके आइडिया और वोडाफोन, हाल ही में भारत की 2 टॉप मोस्ट टेलीकॉम कंपनी आइडिया और वोडाफोन का विलय हो गया। इसके विलय के पश्चात इनकी जो संयुक्त कंपनी है उसके CEO नियुक्त हुए हैं आपके बेलेश शर्मा। इनका नाम याद रखिएगा, आइडिया और वोडाफोन के विलय के पश्चात जो उनकी संयुक्त कंपनी बनी है उसके CEO नियुक्त हुए हैं आपके बेलेश शर्मा। नेक्स्ट है आपका स्कूटाइड, ये एक मानव कोशिका की नई आकृति है। मानव कोशिका की नई आकृति का नाम है स्कूटाइड। ये इस साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसे याद रखिएगा। स्कूटाइड क्या है, ये मानव कोशिकाओं की एक प्रकार की नई आकृति है। इसमें 2 भाग है, एक भाग जिसकी 6 भुजा है, दूसरी भाग जिसमें 5 भुजा है, तथा इसके लंबाई में यह त्रिभुजाकार में है, यानी एक प्रिज्म शेप में है। तो याद रखिएगा स्कूटाइड मानव कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक नई आकृति है। नेक्स्ट, भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान भरी। भारत ने हाल ही में अपनी पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान भरी देहरादून से दिल्ली तक स्पाइस जेट के माध्यम से भारत ने पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान भरी, जिसमें जो ईंधन यूज़ किया गया था उसमें 75% ATF मीन्स एविएशन टर्बाइन फ्यूल या वायु टर्बाइन फ्यूल यूज़ किया गया था, जबकि 25% आपका बायोजेट ईंधन था। CSIR मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च तथा IIP देहरादून मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस जेट्रोफा फसल के माध्यम से इस बायोजेट ईंधन को विकसित किया जा रहा है।
तो याद रखिएगा CSIR और IIP मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून दोनों के द्वारा इस जेट्रोफा फसल के माध्यम से बायोजेट ईंधन को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे एशियन गेम्स से। एशियन गेम्स पर अपन डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नामों पर अपन देखेंगे जो कि कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड थे। देखिए एशियन गेम्स का आयोजन हो रहा है आपका जकार्ता या पालेमबेंग। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है और पालेमबेंग एक अन्य शहर है, इन दोनों शहरों में संयुक्त रूप से एशियन गेम्स का आयोजन किया गया। इसमें शुभंकर थे भिन्न भिन्न काका और आतुंग। भिन्न भिन्न एक प्रकार का पक्षी है, काका गेंडे की एक प्रजाति है, जबकि आतुंग एक हिरण है। तो इसके एशियन गेम्स के शुभंकर थे आपके भिन्न भिन्न काका और आतुंग। इस एशियन गेम्स में भारत की ओर से ध्वजावाहक थे आपके नीरज चोपड़ा। इन नीरज चोपड़ा का नाम याद रखिएगा, ये इस साल भारत के स्टार प्लेयर है। देखिए स्वर्ण पदकों में अपन देखते हैं, जब एशियन गेम्स की शुरुआत हुई तो एशियन गेम्स की शुरुआत में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था आपका बजरंग पुनिया ने 65 kg फ्री स्टाइल। ये भारत के पहलवान हैं जिन्होंने 65 kg फ्री स्टाइल में भारत के लिए एशियन गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीता था। सेकेंड नंबर पर है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ये भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये भारत की प्रथम महिला पहलवान है। अभी तक एशियन गेम्स में विनेश फोगाट से पहले किसी ने भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। तो इनका नाम याद रखिएगा, विनेश फोगाट 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। नेक्स्ट स्वप्ना बर्मान। स्वप्ना बर्मान ने एशियन गेम्स में हेप्टेथलीट प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये एक मल्टी एथलीट गेम है, इसमें कुल 7 राउंड होते हैं। ये 2 दिनों तक आयोजित किया जाता है ये प्रतियोगिता। देखिए इसमें क्या होते हैं, 7 राउंड होते हैं। पहले दिन 4 राउंड होते हैं, दूसरे दिन आपके 3 राउंड होते हैं। इसमें कौन कौन से खेल शामिल है, पहले नंबर पर है आपका 100 मीटर का हर्डल, 200 मीटर की रेस, 800 मीटर की रेस, गोला फेंक, भाला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद। तो इन 7 खेलों में प्रदर्शन के अनुसार एक रैंकिंग तैयार की जाती है, उसका औसत निकाल करके इसके विनर की घोषणा की जाती है। तो भारत ने पहली बार इस हेप्टेथलीट प्रतियोगिता में स्वप्ना बर्मान ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। यह हेप्टेथलीट में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है आपका स्वप्ना बर्मान। नेक्स्ट है आपकी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भी इस एशियन गेम्स में जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। इस साल इनका नाम याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में इनसे प्रश्न उठेंगे। इस साल हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, एशियन गेम्स में भी इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध है आपका जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक से। नेक्स्ट है आपके तेजेंद्र पाल सिंह। तेजेंद्र पाल सिंह का संबंध है आपके शॉटपुट से। नेक्स्ट फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप में जो जीते हैं वो है आपके जापान, उपविजेता है आपके स्पेन। स्पेन को हरा करके जापान ने फीफा मींस फुटबॉल अंडर 20 महिला विश्व कप का खिताब जीता। नेक्स्ट महिला विश्व कप हॉकी कप। महिला विश्व हॉकी कप जीता है आपका नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने आयरलैंड को हरा करके विश्व महिला हॉकी कप का खिताब जीता। तो ये इन दोनों को याद रखिएगा, फुटबॉल में महिला विश्व कप जीतने वाली अंडर 20 टीम है आपकी जापान, जबकि हॉकी में महिला विश्व कप जीतने वाली है आपकी नीदरलैंड। ठीक नेक्स्ट है आपके झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला टीम की एक तेज गेंदबाज है जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। झूलन गोस्वामी T20 फॉर्मेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के T20 फॉर्मेट से इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। अब नेक्स्ट देखिए ये जो रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आएंगे ही इस साल किसी न किसी एग्जाम में। नाबार्ड ने ये रिपोर्ट जारी किया है, नाबार्ड रिपोर्ट अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन NAFIS मींस नाबार्ड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, ये जो है वर्ष 2015-16 के संदर्भ में है। इसमें जो भी आंकड़े जारी किए गए हैं ये वर्ष 2015-16 के संदर्भ में जारी किए गए हैं। देखिए इसे समझिएगा, औसत वार्षिक आय कृषि परिवार, कृषि परिवार यानी कृषि कार्य में संलग्न परिवार, कृषि परिवार की वार्षिक आय है
1,07,172 रुपये। नाबार्ड ने जो हाल ही में रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कृषि कार्य में संलग्न परिवारों की वार्षिक आय है आपका 1,07,172 रुपये, जबकि गैर कृषि कार्य में संलग्न परिवारों की वार्षिक आय है आपका 87,228 रुपये। 87,228 रुपये गैर कृषि कार्य में संलग्न परिवारों की वार्षिक आय है, जबकि कृषि कार्य में संलग्न परिवारों की वार्षिक आय है आपका 1,07,172 रुपये। ठीक, अब देखिए ये दोनों का ओवरऑल ये है, ग्रामीण परिवार, ग्रामीण क्षेत्र में आपके कृषि कार्य में संलग्न परिवार भी रहते हैं और गैर कृषि कार्य में संलग्न परिवार दोनों रहते हैं। तो देखिए ग्रामीण परिवार की औसत आय है आपका 96,708 रुपये। ग्रामीण परिवार की औसत आय 96,708 रुपये है। अब देखिए ये नीचे जितने भी चीज़ें हैं ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। कृषि कार्य में संलग्न परिवार, यानी ये कृषि कार्य में संलग्न परिवारों की औसत आय गैर कृषि कार्य में संलग्न परिवारों की औसत आय से 23% अधिक है। ये दोनों आंकड़े को देखिए, कृषि कार्य में संलग्न परिवारों की औसत आय गैर कृषि कार्य में संलग्न परिवारों की औसत आय से 23% अधिक है। नेक्स्ट, 48% ग्रामीण परिवार कृषि कार्य में संलग्न है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो ग्रामीण परिवार है उनमें से लगभग 48% जो आबादी है वो कृषि कार्य में संलग्न है, इस आंकड़े को याद रखिएगा। नेक्स्ट, 88.1% परिवारों के पास कम से कम एक बचत बैंक खाता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनमें लगभग 88.1% परिवारों के पास स्वयं का कम से कम एक बैंक खाता है। ठीक है, अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो ग्रामीण परिवारों की आय के आधार पर किस राज्य में ग्रामीण परिवार का आय सर्वाधिक है, ये वाले आंकड़ों के आधार पर, पहले नंबर पर है आपका पंजाब, सेकंड नंबर पर है केरल, तीसरे नंबर पर है हरियाणा। ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय, इसमें वार्षिक आय नहीं दिया गया है, मासिक आय, ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय के आधार पर पंजाब टॉप पोजीशन पर है, केरल सेकंड नंबर पर है, हरियाणा थर्ड नंबर पर है, जबकि सबसे कम औसत मासिक आय है आपका आंध्र प्रदेश राज्य का और सेकंड नंबर पर है झारखंड। तो याद रखिएगा ये सारे आंकड़े इम्पॉर्टेंट है, ये आंकड़े आपके औसत वार्षिक आय पर है, ये है आपका ग्रामीण परिवार औसत मासिक आय के आधार पर। सबसे अच्छी स्थिति में है आपका पंजाब, सेकंड पे केरल, थर्ड पे हरियाणा, लास्ट में है आपके आंध्र प्रदेश और झारखंड। नेक्स्ट आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 हाल ही में जारी किया गया, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर भारत के कौन से शहर जीवितता के आधार पर बेहतर शहर है, यानी उसमें चार पैमाने स्पेशली रखे गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, आपके संस्थागत विकास के आधार पर। तो ऐसे कुछ पैमाने इसमें रखे गए थे जिसके आधार पर, जीवितता के आधार पर सबसे बेहतर शहर है आपका पुणे और सबसे खराब स्थिति पे, खराब नहीं बोलना चाहिए, सबसे कम बेहतर है आपका रामपुर उत्तर प्रदेश। तो जीवितता के आधार पर या ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे बेहतर शहर है भारत का पुणे, जबकि सबसे खराब स्थिति पे है आपका रामपुर। इसमें भी छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले शामिल है उस पर भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट सर्वे, हाल ही में यूनाइटेड नेशन की ई गवर्नमेंट सर्वे का रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें यह देखा जाता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सार्वजनिक कार्यक्रमों के वितरण के लिए कितना सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, यानी जो भी सरकार योजना चला रही है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए वो कितनी सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। तो देखिए ये रिपोर्ट तीन रिपोर्टों का समन्वय है, जैसे है पहले नंबर पर है आपका TII मींस टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, दूसरे नंबर पर है OSI ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स, तीसरे नंबर पर है HCI मींस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इन तीनों का समन्वय रूप से जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट सर्वे। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर है आपका डेनमार्क, ई गवर्नमेंट सर्वे रिपोर्ट में टॉप पोजिशन पर है डेनमार्क। भारत है इसमें 96 मीन्स 96वें स्थान पर।
सबसे लास्ट पोजीशन पर है आपका सोमालिया। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट सर्वे में टॉप में है डेनमार्क, 96th पोजीशन पर है हमारा भारत, जबकि सबसे लास्ट में है आपका सोमालिया। निधन, निधन पे अपन कुछ चर्चित व्यक्तित्व तो जिनका हाल ही में निधन हुआ। सबसे पहले नंबर पर है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि भारत के 3 बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। देखिए इनके जीवन परिचय का मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। इनका जन्म हुआ था वर्ष 1924 में। ये चर्चा में तब आए जब 1975 में हुए इमरजेंसी के दौरान इन्हें जेल भेजा गया। 1975 के इमरजेंसी में ये जेल गए थे। वर्ष 1977 में गठित जनता पार्टी या मोरारजी देसाई की सरकार में पहली बार ये विदेश मंत्री नियुक्त हुए थे। इसके बाद वर्ष 1980 में भाजपा के ये पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1996 में ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए या प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वर्ष 1996 में पहली बार लिए, 1998 से 1999 में दूसरी बार, जबकि 1999 से लेकर 2004 तक इनका तीसरी बार कार्यकाल रहा। लेकिन याद रखिएगा 1996 में जब वो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए तब उनके कार्यकाल मात्र 13 दिन का था। ठीक, नेक्स्ट 1998-99 में इनकी सरकार मात्र 13 महीने के लिए ही थी, लेकिन इस 13 महीने के अपने कार्यकाल में इन्होंने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। वर्ष 1998 में इन्होंने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया और भारत को सामरिक दृष्टि से सशक्त बनाया। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में इन्होंने ऑपरेशन विजय अभियान छेड़ा था। कारगिल युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तीसरा, वर्ष 1999 से 2004 इस कार्यकाल में इन्होंने लगभग 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। इसी कार्यकाल के दौरान इन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में ये हार गए। 2005 में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। वर्ष 2014 में इन्होंने अपना 90वां जन्म दिवस मनाया। इनके 90वें जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। 2014 के बाद से भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक, अब हाल ही में अभी वर्ष 2018 यानी 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया। तो ये था इनका जीवन परिचय शॉर्ट में। नेक्स्ट आपके एम के करुणानिधि। एम के करुणानिधि डीएमके प्रमुख मीन्स द्रविड़ मुनेत्र कंजनम के ये अध्यक्ष थे। ये 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है एम के करुणानिधि का। इनके निधन के पश्चात इस डीएमके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है इनके पुत्र स्टालिन को। ठीक है, एम के स्टालिन वर्तमान में डीएमके के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है अजीत वाटेकर। अजीत वाटेकर भारतीय क्रिकेट टीम में देश के पहले ODI कप्तान थे, यानी एक दिवसीय मैच के पहले कप्तान। भारतीय क्रिकेट टीम में एक दिवसीय मैच मीन्स ODI मैच के पहले कप्तान थे, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सोमनाथ चटर्जी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक, इनका बस नाम ही याद रखिए, सोमनाथ चटर्जी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है विशेष। पहले नंबर पर है अनुच्छेद 35A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक तय करने का अधिकार देती है, यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा किन्हें जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक मानेगी यह तय करने का अधिकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास है। देखिए ये दो डेट याद रखिएगा, 14 मई 1954 और वर्ष 1956। एक्चुअली में यदि कोई भी नए अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़ा जाना होता है तो उसके लिए संविधान संशोधन करती है आपका भारतीय संसद। भारतीय संसद के संविधान संशोधन के पश्चात ही कोई भी नए आर्टिकल संविधान में जोड़े जाते हैं। लेकिन ये जो अनुच्छेद 35A है इसे जोड़ा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदेश के पश्चात। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 में एक आदेश जारी किया था जिसके पश्चात अनुच्छेद 35A जोड़ा गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा को जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक तय करने का अधिकार दिया गया था। देखिए 14 मई 1954 इसके जस्ट 2 साल बाद यानी वर्ष 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान बना। पूरे के पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जिसका स्वयं का एक अलग संविधान है। तो वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर ने अपना स्वयं का एक अलग संविधान बनाया। उस संविधान में यह लिखा गया कि 14 मई 1954 को जो भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर की सीमा के भीतर निवास कर रहा है उन्हें ही जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक माना जाएगा।
14 मई 1954 यानी जिस डेट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आदेश जारी किया था, 14 मई 1954 तक जो भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर की सीमा के भीतर निवास कर रहा है उन्हें ही जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी माना जाएगा। इसमें अन्य चीज़ें भी उल्लेखित है, जैसे कोई भी बाहरी व्यक्ति यानी जम्मू कश्मीर के बाहर का व्यक्ति जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर अपनी संपत्ति नहीं खरीद सकता। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा जो भी सार्वजनिक नौकरियां, सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी नौकरियां निकाली जाएगी, उन राज्य सरकार की नौकरियों के लिए कोई भी बाहरी या भारत के अन्य राज्यों के व्यक्ति इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक तय करने का अधिकार देता है। 14 मई 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आदेश के बाद अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में जगह मिली। वर्ष 1956 को जम्मू कश्मीर ने अपना स्वयं का संविधान बनाया, जिसके अंतर्गत उसने जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी किन्हें कहा जाएगा इसकी सीमाएँ तय की। नेक्स्ट है आपका 123वां संविधान संशोधन विधेयक। हाल ही में लोकसभा में 123वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, जो कि राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए अभी पेंडिंग में है। ये जो 123वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से संबंधित है। जैसे आपका ST आयोग और SC आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, वैसे ही OBC आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से संबंधित है आपका 123वां संविधान संशोधन विधेयक, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, उइगर समुदाय। उइगर समुदाय का संबंध है आपका शिनजियांग प्रांत चीन से। उइगर समुदाय चीन में निवास करने वाली मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रही क्योंकि UNO मीन्स संयुक्त राष्ट्र संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार लगभग 10 लाख उइगर समुदाय अल्पसंख्यक मुसलमानों को चीन सरकार ने बंधक बना के रखा है। चीन में निवास करने वाली कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 48% आबादी इस उइगर समुदाय के अंतर्गत आती है। तो इस उइगर समुदाय को चीन के शिनजियांग प्रांत में नज़रबंद करके उन्हें बंधक बना के रखा गया है। तो इस उइगर समुदाय को याद रखिएगा, ये हाल ही में कुछ ज़्यादा ही चर्चा में था। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियां। हाल ही में अभी कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कुछ नियुक्तियां हुई। उन नियुक्तियों के पश्चात वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 25। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है आपका 25। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है 31 मीन्स 31, मैक्सिमम हो सकती है 31। CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश सहित भारत में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 31 जज नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है 25। इससे अन्य प्रश्न और बन सकता है, अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश कार्यरत है। अभी हाल ही में एक नियुक्ति हुई है आपकी इंदिरा बनर्जी, जो कि मद्रास हाई कोर्ट में कार्यरत थी, उनको हाल ही में कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से उनकी नियुक्ति की गई आपके सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के तौर पर। कुछ समय पहले चर्चा में थी आपकी इंदु मल्होत्रा, जिन्हें वकील से डायरेक्ट न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया। और तीसरे नंबर पर है आपकी R Bhanumathi। R Bhanumathi पहले से ही आपके सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत थी। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश जो कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत है, इंदिरा बनर्जी, सेकेंड नंबर पर इंदु मल्होत्रा और तीसरे नंबर पर R Bhanumathi। तो इस तरीके से आज का हमारा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।